गुरु जी के परिवार पर विश्वास नहीं करते हैं, हेमंत सरन अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, इसीलिए शायद कल्पना मैडम चुनाव में देखेंगे। वो जनरल सीट है और आपकी जानकारी के लिए वो मैडम उड़ीसा की है और आरक्षित गांडे उपचुनाव माननीय मुख्यमंत्री का एक मास्टर का स्ट्रोक है, वो उसी सीट पर क्यों गए, उसके कई तर्क हैं, कई कारण हैं, वो तो खैर वो रणनीतियाँ हम लोग भी भली भांति समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं हम आदिवासियों के नहीं मिलेगा, चूंकि जिंदा लोगों नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात है कि स्वाभाविक है, जब हम लोग चुनावी उद्देश्य हमारा शुरू से रहा नहीं है, लेकिन अचानक घोषणा और चर्चा कहें तो झुमरा के पहाड़ के तल से नहीं बल्कि इस बार हमने सिर से उसका आह्वान किया है। जयराम जी, आप बहुत सी सभाओं में आपने उम्मीदवारी की घोषणा किए थे और आज फिर एक जनसभा में आपने अभी घोषणा की है, तो क्या ये फाइनल मान लिया जाए कि आपकी जो उम्मीदवारी है वो लोकसभा से ही तय हो? चूंकि झुमरा पहाड़ है तो आप संकेत को समझ सकते हैं कि टाइगर को अगर दहाड़ लगानी हो तो उसके लिए उसके अनुकूल उसके ठीक सामंजस्य का इलाका होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, और मुझे लगता है झुमरा और पारसनाथ से बेहतर विकल्प टाइगर के लिए और हो भी क्या सकता है। तो इसलिए अस्वस्थ होने के बाद भी चुनावी शंखनाद की अगर घोषणा और चर्चा कहें तो झुमरा के पहाड़ के तल से नहीं बल्कि इस बार हमने सिर से उसका आह्वान किया है, आगाज किया है। चुनाव कैसे लड़िएगा? पार्टी की मतलब पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, संगठन का भी रजिस्ट्रेशन? देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जानना होगा कि हम लोग 2 साल से मात्र पॉलिटिकल मैदान में हैं, और 2 साल से नहीं 6 महीना से कहिए, क्योंकि 1.5 साल हम लोग आंदोलन में रहे और हमने कभी नहीं सोचा था हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे। इसलिए राज्य की जनता को भी मेरा संदेश होगा कि हम लोग कभी अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, अगर आए होते तो हम लोग अभी तक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कर चुके होते, बना चुके होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम लोग केवल आंदोलन के मकसद से ही आए थे। लेकिन जब हमें लगा कि नहीं, अब आंदोलन को पॉलिटिकल रोड मैप की ओर लेकर चलना चाहिए, तो हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। तो इसलिए स्वाभाविक है, रजिस्ट्रेशन का होना लेट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर 14 लोकसभा में अगर 14 सिंबल अलग मिलेगा, फिर भी हम लोग मैदान में उतरने का मादा रखते हैं, और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो नौजवानों की ऊर्जा है, और नौजवानों की ऊर्जा रातों रात हमारे चुनाव चिन्ह को गाँव तक, गलियारों तक, चौक चौराहों तक लेकर चली जाएगी। बहुत जल्द चुनावी जो लोकसभा चुनाव है उसका घोषणा जल्द डेट आ जाएगा, तो कितने लोकसभा सीटों से आप लोग की उम्मीदवारी तय करेंगे? आधा दर्जन लोकसभा सीटों से हमारी उम्मीदवारी रहेगी। दादा, यहाँ पर दर्द भी देखने को मिला, यहाँ पर जनता आपको चाहने वाले भी हैं, एक विकलांग आपको गला लगा के रो भी रहा था, और बहुत सारे नेता इनको ठग के भी गए, इसके लिए क्या बोलिएगा? हाँ, स्वाभाविक है, हम लोग अपनी कार्यशैली से अपने डेडिकेशन से अपने हार्डवर्क से हम लोग आज सभी की उम्मीद बने हैं, सभी की जरूरत बने हैं, तभी तो आज सुदूर क्षेत्र जहां विकास की किरण काफ़ी दूर दूर तक नहीं दिखती है, उस झुमरा के पहाड़ में भी लोग इतना प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाकायदा हमारे नाम से वाकिफ़ हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जो उम्मीद बनी है एक बदलाव की, उस पर कहीं ना कहीं सभी लोग साक्षी होना चाहते हैं और अपने राज्य को बदलते हुए उस राज्य को स्थापित हुए देखना चाहते हैं जिसका सपना कभी हमारे महापुरुषों ने देखा था। गिरिडीह लोकसभा में आपकी कितनी टीम मजबूत हो चुकी है? जी, जहाँ तक गिरिडीह का बात है तो हम लोग टुंडी मेरा स्वयं का गृह क्षेत्र है, हम लोग जाहिर सी बात जो मेरा गृह क्षेत्र है तो स्वाभाविक ही मेरा स्ट्रांग रहेगा। उसके बगल में बागमारा आता है, बागमारा चूंकि ब्लॉक एरिया कोल एरिया है, तो जाहिर सी बात है जो कोल एरिया है वहाँ लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि कोयले की काली कमाई के बीच अगर कोई आवाज़ करने वाला है तो जरा महत्व है, तो वो हैंडल हो जाएगा। उसके बाद बेरमो आता है, बेरमो में तो ऐसे भी राजा साहब के साढ़ू वहाँ हैं और उनको काफ़ी हम लोग कटघरे में रखे हैं। हाँ, स्वाभाविक है, बेरमो हमारा ऐतिहासिक सभा था, तो बेरमो, बागमारा, टुंडी, अब बचता है आपका गिरिडीह। तो गिरिडीह जो टाउन है जो स्वीकार करना होगा, वहाँ हमारा कार्यक्रम हालांकि परमिशन नहीं मिला था झंडा मैदान का, और वहाँ तर्क ये था प्रशासन का कि जयराम महतो की अगर यहाँ एंट्री होगी तो मतलब काफ़ी जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी मैंने अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए एंट्री नहीं दिया। तो हमने भी सम्मान किया कानून का कि भाई चलिए, अगर उन्हें इस बात का भय है कि हमारे झंडा मैदान से में जाने से अगर झंडा मैदान छोटा पड़ जाएगा और हमारा कद वहाँ बढ़ जाएगा तो हम लोग ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे। तो गिरिडीह में हमारी एंट्री ठीक ठाक नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्द होगी। और फिर टाउन के पारसनाथ से हम लोग 21 तारीख को पहली जनसभा का आगाज कर रहे हैं, तो गिरिडीह को हम फोकस में रखेंगे। और जहाँ तक डुमरी की बात है तो डुमरी के बारे में आप चर्चा ही मत कीजिए, वो मेरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सीएम वर्सेस अब देख ही लिए थे, सीएम का मुकाबला हम एक रात में कर दिए थे, तो डुमरी की इसलिए डुमरी को ज्यादा टेंस में हम नहीं रखते हैं। डुमरी को आप कंफर्म है? हाँ, डुमरी को हम कंफर्म मानते हैं। आपका 100% कहीं किसी के वोटर नहीं होता है, लेकिन मेरा वो गढ़ है और उसका हमने बिल्कुल चाहने वाले हैं, वो तो स्वाभाविक है, सबका रिश्ते में मामा मौसान मैंने नाना नानी लगता है कोई, तो उसके लिए
सवाल निकल कर आता है कि आप जो है कि आगामी जो है कि लोकसभा चुनाव में एमपी के पद पे जो है कि आप जो है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता आपको सीएम के रूप में देख। जी जी, मैं भी आपके सवाल का उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, मैं जनता का बेटा हूँ, मैं जनता का मजदूर असहायों का नेता हूँ, इसलिए मैं उनका जहाँ से समस्या होती है मैं उसको नेतृत्व करना चाहता हूँ, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में। स्वाभाविक है, जनता ने हमें विधानसभा के लिए फोकस किया, लेकिन आपको जानना होगा हम लोग अगर लोकसभा में, अगर मेरी उम्मीदवारी नहीं होती, और मैंने भी नहीं सोचा था कि हम लोकसभा में आएंगे, हमने सोचा था कि हम अपने आप को राज्य के लिए बचा कर रखें, लेकिन हमारे संगठन का कहना है कि कहीं ना कहीं हम केंद्र बिंदु हैं, इस संगठन का हम धुरी हैं, और अगर सेनापति ही नहीं उतरेगा मैदान में तो सेना कहीं ना कहीं तितर बितर हो जाएगी और हमारी सेना को ऊर्जा नहीं मिलेगी। मैं भी मानता हूँ मेरी लोकसभा लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये हमारा संगठन का निर्णय है, हमारी तमाम जो सेना है जेबीकेएस का उनका निर्णय है कि सेनापति को मैदान में रहना होगा। अगर आप मैदान में रहेंगे तभी सामने जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनसे हम टक्कर देंगे, तो उनके हौसले के लिए मैं इस मैदान पर हूँ। पारसनाथ, आपका जन्म हुई है वही कर्म भी, आप हमेशा झुमरा पहाड़ कहते हैं, हर भाषणों में बोलते हैं झुमरा पहाड़, गोमिया विधानसभा में कितनी आपके काम हो सके, कितने आपके इधर से बूथ। देखिए, ये तो आप बेहतर बताएंगे पत्रकार महोदय, चूंकि आपका घर इसी विधानसभा अंतर्गत पेटरवार क्षेत्र से आता है, और पेटरवार एक ऐसा जगह है जो बीच की कड़ी है, कसमार और गोमिया को जोड़ती है, तो आपकी नजर बाई आंख अगर गोमिया में है तो दाई आंख आपकी कसमार में है, और आपका दिल तो पटवार में है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वहाँ टाइगर की क्या हैसियत है। अगर जयराम माथुर ने गर्जी से चुनाव लड़ते हैं तो सिंबल भी अलग अलग जगह का अलग अलग मिलेगा। मैंने कहा किस प्रकार से करेंगे, देखा जाए तो एक लोगो आपका टाइगर लोगो है। देखिए, टाइगर लोगो नहीं मिलेगा, चूंकि जिंदा लोगो नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात है कि स्वाभाविक है, जब हम लोग चुनावी उद्देश्य हमारा शुरू से रहा नहीं है, लेकिन अचानक हम लोग चुनाव में आए हैं जनता के हितार्थ के लिए, तो स्वाभाविक कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें उम्मीद है, अपने युवाओं पर उम्मीद है। नाम से ही वोट मिलेगा। हाँ, नाम और काम से वोट मिलेगा, और मुझे लगता है कि इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े सिंबल कहीं ना कहीं फीके पड़ जाएंगे। अभी डर नहीं लग रहा है कोई भी पार्टियां देख रहे हैं, केंद्रीय लेवल या क्षेत्रीय पार्टियां आपके लेकर पहले बहुत चर्चे में हमेशा अपने सभाओं में भाषणों में मीडिया बैठो में देते थे, लेकिन अभी सब मौन है आपके लेकर। देखिए, आप मौन होने का कारण भी यही है कि वो जानते हैं कि अब हम लोग का जनसैलाब, हमारा जन समर्थक बढ़ा है, तो हमारी जितनी आलोचना करेंगे उतना हम मजबूत होंगे और उनका कद उतना कम होगा। उदाहरण के लिए रणधीर सिंह जी, उन्होंने अपने स्वयं अपने मुख से अपने कद को कम करने का कार्य किया है, तो इसीलिए वो बचना चाहती है, जो भी पॉलिटिकल लीडर है मेरा नाम लेने से बचना भी चाहेंगे, और हाँ अगर वो मेरे खिलाफ बोलना भी चाहेंगे तो कोशिश करेंगे अपने जिला अध्यक्ष को आगे करेंगे, जैसे रामगढ़ में आसू और जमेम दोनों जिला अध्यक्ष आगे हो गए थे, अगर उनको विरोधी करना तो कहिए उनके सुप्रीमो हमारा विरोध करें, तो ये रणनीति तैयार की जाएगी। बाकायदा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जिस प्रकार केंद्र में नरेंद्र मोदी ने जितने भी 10 मिलियन फॉलोअर हैं उनको चुनावी कैंपेन के लिए अपने हाथों में ले लिया है, जितने भी नामी गिनामी इन्फ्लुएंसर, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, आप 2024 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में पाएंगे जिनका 10 मिलियन है। ठीक उसी प्रकार झारखंड राज्य में चर्चा है, जिनका 10 के फॉलोअर है उन्हें हमारे नेगेटिव में या फिर हमारे खिलाफ उतारने का कार्य करेगी ये बड़ी बड़ी पार्टियां, मुझे संज्ञान मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी 10 के वाले हैं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग झारखंड की मिट्टी से प्यार करते हैं। अच्छा, बात ये है कि अभी राम मंदिर की बात आ रही है अयोध्या में, और हमेशा जब आती है लोकसभा की केंद्र के लेवल की तो जाति और धर्म की कार्ड खेली जाती है, तो टाइगर जयराम तो उससे बेहतर क्या लोगों को। देखिए, हमारे पास रोटी का मुद्दा है, मैं लोगों से यही कहूंगा कि आज जो भी आप समस्याएं देख रहे हैं, आज अगर आपको समस्या होती है कहाँ बागमारा में, समस्या क्यों होती है कोयला को लेकर, समस्या कहाँ होती है चंद्रपुरा में, समस्या होती है डीबीसी को लेकर, तो अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना बेहतर एमपी चुनना होगा। वही बात मैंने अपने भाषण में तमाम माताओं बहनों से अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपनी पूरी जवानी को निछावर करते हैं किस लिए, संपत्ति अर्जित करने के लिए, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी अचल संपत्ति जमीन का टुकड़ा होता है, लेकिन जब वो टाटा अधिग्रहण करता है, सीसीएल अधिग्रहण करता है, तमाम डैम फैक्ट्रियाँ अधिग्रहण करती है, तब कोई नेता बोल नहीं पाता है, तो इसलिए बेहतर होगा हम लोग किसी मैंने इंडिया पाकिस्तान और धार्मिक भावनाओं से उठकर रोटी के आधार पर, अपनी अस्तित्व के आधार पर वोट करें, ऐसे नेतृत्व को चुने जो हमारे अस्तित्व की लड़ाई में हमारा साथ दे सके। झुमरा की बात करते हैं कि झुमरा में किन किन समस्याओं से, देखिए झुमरा जहाँ यहाँ फिलहाल जो समस्या सामने दिख रहे हैं कि टाटा एक विशेष क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहता है, सीसीएल कोयला के कुछ मात्रा मिले हैं इस क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है वहाँ भूमि अधिग्रहण की समस्या सामने आएगी, दो चार औने पौने दाम में जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, डीबीसी की समस्या नहीं, विस्थापन की समस्या आती है, रोजगार की समस्या आती है, इस तरह तमाम समस्याएं आती हैं, चूंकि शैक्षणिक जो ढांचा है वह स्तर भी यहाँ ठीक ठाक नहीं है, चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, तो इन समस्याओं के साथ हम लोग इस क्षेत्र में मुद्दा बनाकर अपने चुनावी कैंपेन में आगाज करेंगे। एक तरफ लोकसभा चुनाव की लगातार बिगुल फूकी जा रही है, सारी राजनीतिक पार्टियां अपने
पूरी ताकतें झोंक दी है। वहीं दूसरी अगर बात करें गांडे उपचुनाव की, तो वहां पे भी बहुत नजदीक सामने है, तो गांडे उपचुनाव को किस रूप में आप देखें? हाँ, गांडे उपचुनाव को हम लोग चुनौतीपूर्ण रूप में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं गांडे उपचुनाव माननीय मुख्यमंत्री का एक मास्टर का स्ट्रोक है, वो उसी सीट पर क्यों गए, उसके कई तर्क हैं, कई कारण हैं, वो तो खैर वो रणनीतियाँ हम लोग भी भली भांति समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं हम आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासियों के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, आदिवासी केवल आप ही नहीं है, सीता सोरेन जी भी आदिवासी हैं, उन्होंने अपने पति को खोया है, तो कहे मतलब कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के चक्कर में है, सीता सोरेन जी को सीएम बनाते ना सरफराज चचा को बेचारा को उनको अपनी सीट को त्यागना पड़ता, तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। आप भी जानते हैं जितना भी उनका सारा पद है, और अब परिवार नहीं, अब वो हेमंत सोरेन गुरु जी के परिवार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इस बात को जनता को भी जानना चाहिए कि गुरु जी के परिवार में बसंत सोरेन भी आते हैं, गुरु जी के परिवार में सीता सोरेन भी आती हैं, वो दोनों वर्तमान में विधायक है, अगर मुख्यमंत्री संकट में है तो उन दोनों को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, कल्पना सोरेन क्यों? इसका मतलब है हेमंत सोरेन अब कुल मिलाकर हेमंत सोरेन एंड कल्पना सोरेन एंड कंपनी पर फोकस कर रहे हैं, और गुरु जी को भी कोई जान रहे, गुरु जी अब काफी उम्र के इस पड़ाव में है जो नियति का सत्य है, इसलिए अब वो गुरु जी के परिवार पर विश्वास नहीं करते हैं, हेमंत सोरेन अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, इसीलिए शायद कल्पना मैडम चुनाव में दिखेंगे, वो जनरल सीट है, और आपकी जानकारी के लिए वो मैडम उड़ीसा की है और आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। हाँ, हमारा कैंडिडेट होगा, और हम लोग निश्चय ही कैंडिडेट की घोषणा उस समय करेंगे जब विपक्ष वहाँ घोषणा कर देगी, यानी जब बादशाह अपने घोषणा करेगी तब हम लोग अपना ट्रम्प कार्ड ट्रुप का एक क्या खोलेंगे। गांडे विधानसभा से, और ये जो लोग टेक लगाते थे जातीय जातीय, आपको जानकारी होना चाहिए गांडे एक ऐसा विधानसभा है जहाँ मेरे सौ जातीय कुर्मी वोटर एक भी नहीं है शायद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।